नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया दमेले जी, आई सर्जन है। मैडम, आपका स्वागत है स्टूडियो में सबसे पहले। और जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि मैम आज बात करेंगी कि आंखों से जो समस्याएं होती हैं संबंधित उस पर, और आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अपना फोन उठाइए, अपनी समस्या हमें बताइए और उसका समाधान डॉक्टर सोनिया दमेले जी आपको तुरंत बताएंगे। आप फोन कर सकते हैं। मैम, मेरा पहला सवाल कि आखिरकार बदलते सीजन में, मॉनसून आ गया है, बारिश होगी, बदलते सीजन में कैसे लोगों को अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए, इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है? बहुत सही शब्द आपने इस्तेमाल किया, इन्फेक्शन से कैसे बना जाएगा। मॉनसून ही एक समय होता है जब सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का रिस्क होता है आंख में। वो पलकों में एक बिल्ली की तरह प्रेजेंट कर सकता है, एक छोटा सा दाना बन सकता है जिसमें पेन हो रहा है, दर्द होता है, या वो आंख में एलर्जिक या इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस के फॉर्म में, जिसमें आंख की सफेदी जो होती है, सफेद पोषण जो होता है वो लाल हो जाता है, आंख में सूजन आती है, कीचड़ आता है, दर्द होता है, या हमारी जो काली पुतली होती है जो कॉर्निया है उसमें वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें हमको दर्द नहीं होता है लेकिन डिस्कम्फर्ट होती है, ऐसा लगता है कि कुछ आंख में चला गया है, कुछ रड़क रहा है, कुछ निकल नहीं पा रहा है, ये दिक्कत होती है। तो इन्फेक्शन ही मानसून में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कैसे बचा जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली चीज, जब भी आप निकले एहतियात की तौर पे एक छाता लेके चले या कपड़े से अपनी आंखों को बचा के रखें कि ठंडा पानी, जो ये बरसात का गंदा पानी होता है स्पेशली हमारे शहर में तो काफी पोल्यूशन है, वो आंखों में डायरेक्टली ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अब गर्मी आ गई है, चली गई है, बरसात आ गई है और अब हमें काला धूप का चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, मगर अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो मॉनसून में और ज्यादा हार्म करती है। तो आप अपना धूप का चश्मा लगाते रहें, जैसे आप पहले गर्मियों में लगा रहे थे वैसे ही लगाते रहें, और बीच बीच में आंख को ठंडे पानी से, साफ पानी से धुलते रहें ताकि कुछ भी गंदगी आंख में ना जाए। ये दो तीन प्रिकॉशंस हैं। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं वो लोग कॉन्टैक्ट लेंस की सफाई का इस समय बहुत ज्यादा ख्याल रखें, वो जो कॉन्टैक्ट लेंस का सोल्यूशन होता है उसको बदलना और साफ हाथों से हाथ धुल के ही कॉन्टैक्ट लेंस पहनना या उतारना, ये बहुत जरूरी है। अपने आंख के चश्मे को भी इस समय साफ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो भी इन्फेक्शन का एक कारण हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हमको आंखों में इन्फेक्शन से पूरी तरह से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, अगर इन बातों का ध्यान रखें जिनको आपने बताया। मैम, देखा जाता है अमूमन आंखों से पानी आता है, बहुत लोगों की आंख से पानी आता है, सुबह उठते हैं पानी आता है, उसको साफ करते हैं, धुलते हैं, तब भी उनको आराम नहीं मिलता, क्या माना जाए, उससे कैसे बचा जा सकता है? और सुबह उठते ही कभी कभी ये है, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनको खुजली सी रहती है, इचिंग सी रहती है, कुछ आंखों को बार बार मलते हैं, रब करते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और ये ऐसी स्थिति आखिरकार इवॉल्व क्यों होती है, उत्पन्न क्यों होती है, इसके क्या कारण है? आंखों में पानी आना सबसे कॉमन सिम्टम है जिससे मरीज हमारे पास आता है, और बहुत कुछ डिपेंड करता है उस मरीज की उम्र क्या है और वो किस सीजन में हमें दिखाने आ रहा है। जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के नीचे के बच्चे होते हैं, अगर उनके आंखों में पानी आ रहा है तो हमारी जो आंसू निकलने का रास्ता होता है वो हमारी यहाँ नाक के पास में, नाक में निकलता है, और ये रास्ता अगर सुकड़ा हुआ हो या टेढ़ा हो तो उस कारण आंसू अपने नाक में निकल नहीं पाते हैं, तो वो पानी इकट्ठा होके आंसू के फॉर्म में निकलता है। तब हम उसका सिंपल ट्रीटमेंट होता है, मसाज टेक्निक होती है वो बताते हैं, और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं कि इन्फेक्शन ना हो आंसुओं में जी। तो वो 2 साल के नीचे के बच्चों के लिए हुआ है। उससे बड़े जो लोग हैं, यानी कि 2 साल से लेके 14-15 साल के बच्चे जो हैं, उनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसके कारण पानी आए, उनमें एलर्जी भी हो सकती है जिसके कारण पानी आए, और अगर हम उसके ऊपर के बात करें यानी कि 18 साल से लेके 40-45-50 साल के लोगों के बीच में, तो सबसे कॉमन कॉज जो अब कोविड पीरियड के बाद हुआ है वो है डिजिटल आई स्ट्रेन। डिजिटल आई स्ट्रेन के कारण आप कहेंगे कि ड्राइनेस होती है, तो मैडम पानी क्यों आ रहा है, एक तरफ आप लोग बताते हो कि ड्राइनेस हो रही है, एक तरफ आप बोल रहे हो पानी हो रहा है, लेकिन डिजिटल आई स्ट्रेन में रिफ्लक्स पानी आ सकता है। तो रिफ्लक्स पानी आने के कारण भी मरीज को होती है ड्राइनेस होती है उस, लेकिन फिर भी उसके आंखों से पानी एकाएक निकल आता है। अब इसके लिए जो कारण है उसका अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वेल कंट्रोल हो सकता है और कोई दिक्कत नहीं होगी जी।
देखा गया, अक्सर देखा गया बच्चों में प्रॉब्लम्स बहुत इस वक्त देखने को मिल रही है। जो सोनिया जी, आपने अगर गौर किया, छोटे छोटे बच्चे मोटे मोटे चश्मे लगा के घूम रहे हैं आजकल, और आजकल ये स्मार्टफोन जो चल गया इसका बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, आपने देखा है। और घरों में बच्चे अक्सर कंप्यूटर लैपटॉप के सामने बैठा करते हैं। जब से डिजिटाइजेशन के बाद, जैसे कोरोना काल आया उसके बाद कई एप्लीकेशंस आ गई हैं और उनका लोग इस्तेमाल करें तो लगातार घंटों बैठते हैं लैपटॉप के सामने पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे में जो ई क्लासेस हैं उनका बच्चों को यूज़ करना भी ज़रूरी है। लेकिन कोई नई पद्धति आई जो लेजी आईज जो आखिर जिक्र होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है? कुछ नई पद्धति आई तो ज़रा उसका जिक्र करें, दर्शकों को बताएं कैसे ये ठीक किया जा सकता है बच्चों की आंखों। देखिए, जिस तरह कोविड पैंडेमिक था उसी तरह हाँ। मायोपिया पैंडेमिक भी चल रहा है, यानी कि बच्चों में चश्मे के नंबर आना, माइनस का पावर आना के चांसेस बहुत बढ़ गए। लगभग 50% इंक्रीज हुआ है। और अब आज की डेट में 10 में से 3 बच्चे चश्मा पहन रहे हैं। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि एक तो पावर बढ़ना, चश्मा का नंबर केवल नहीं होने की बात प्रॉब्लम है, एक पावर का बढ़ना भी है, और साथ ही साथ चश्मे से भी पूरा ना दिखना, ये एक गंभीर समस्या है। इसी को हम लोग लेजी आई कहते हैं या टेक्निकल टर्म में एम्ब्लायोपिया कहते हैं। मैम, मैं आपको रोकना चाहूंगा और इसी पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़े हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जो अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या है सवाल? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम इब्राहिम है। ऑडियो लेवल बढ़ाएं प्लीज। PCR. मेरी एक छोटी बेटी है, वो मोबाइल बहुत यूज करती है, मोबाइल पर गेम देखना, वीडियो देखना, तो क्या ये नुकसानदेह है बच्चे के लिए? बिल्कुल, मोबाइल का देखने से बच्चों में ड्राइनेस भी होती है, चश्मे का नंबर भी डेवलप हो सकता है, और जो मोबाइल की ब्लू लाइट होती है वो हमारे आंख के पर्दे को भी नुकसान करती है। तो आप बच्चे को जो भी पढ़ाई करवाएं वो मोबाइल की जगह किसी लैपटॉप पे करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ब्लू फिल्टर ग्लासेस का यूज़ करें जिस समय वो किसी भी स्क्रीन का यूज़ करें, उससे वो मोबाइल की लाइट का आँख पर कम असर होगा। ठीक है मैम, हम लेजी आईज की बात कर रहे थे, आप जिक्र कर रही थी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। लेजी आई जो होती है या एम्ब्लायोपिया जो कहते हैं, उसमें चश्मे से भी बच्चे को पूरा नहीं दिखता है। अब इसका ट्रीटमेंट पैचिंग होती है, यानी कि जो आंख लेजी हो गई है, जो देख नहीं रही है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए उस आंख को बंद करें। तो ये थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, बच्चा एम्बेरस फील करता है, और इसका ट्रीटमेंट महीनों या साल भर भी चल सकता है। तो उसमें कंप्लायंस भी बच्चे की पुअर होती है। अब इसकी जगह एक विजन थेरेपी आई है, उस विजन थेरेपी में एक वो एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि हम कस्टमाइज्ड गेम्स होते हैं और एक्टिविटी होती है जो डिजिटल होती है, और वो बच्चे के विजन के हिसाब से डेवलप की जाती है। और लगभग ये 4 से 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें बच्चे को 15 से 20 मिनट के लिए वो एक्टिविटी करनी होती है। उसमें हम जो पार्ट ब्रेन का विजन को कंट्रोल करता है, विजुअल कॉर्टेक्स, उसको स्टिमुलेट करते हैं और विजन बढ़ती रहेगी। तो ये एक नया ट्रीटमेंट है। जब पहले लैपटॉप वगैरह इतने कॉमन नहीं थे तब ये बाहर था, लेकिन हमारे देश में कम था, मगर आज ये हमारे देश में अच्छी तरह से अवेलेबल है। और अच्छी बात ये है कि ये मतलब घर में भी एक्सरसाइज की जाती है, ये एट होम ट्रीटमेंट है। शुरू के 2 बार आपको 2-3 सेशन क्लिनिक में करने होते हैं, हमारे साथ करने होते हैं, बट बाकी जो 30-35 दिन का प्रोग्राम होगा वो आप अपने घर में ही करेंगे, और घर पे ही वो जूम के माध्यम से मॉनिटर होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोग्राम, और जिन बच्चों की, इनफैक्ट जिन अडल्ट्स की भी, जिनकी पहले किसी कारण से नजर कम रही है, एम्ब्लायोपिया रहा है और विजन अब नहीं है, उनके लिए भी एक न्यू रे ऑफ लाइट है कि आपकी विजन अब बढ़ सकती है। ठीक है, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशा जी, अपना सवाल करिए, कहाँ से बोल रही हैं ये भी बताइए। जी, मैं आशा बोल रही हूँ, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि जब भी मैं ज्यादातर सिस्टम पे काम करती हूँ तो मेरी आंखों में एकदम काला पन छा जाता है, और आंखों में दर्द बहुत होता है, सर बहुत दर्द होता है। देखिए आशा जी, आपको डिजिटल आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम है, और इसके लिए आपको एक 20-20-20 रूल फॉलो करना होगा। 20-20-20 रूल कहता है कि आप हर 20 मिनट बाद 20 फीट की दूरी पे देखें 20 सेकंड के लिए, और अपनी पलकों को झपकाएं, इस तरह से पलकों को झपकाएं 20 सेकंड के लिए, और फिर इससे क्या होगा कि हमारे आंसू जो आएंगे वो अच्छी तरह से आंख में फैलेंगे और आपको क्लियर दिखेगा। जो आपको कालापन आप बता रहे हो दिखता है, वो इसीलिए आपको कालापन दिखता है क्योंकि आंसू ठीक से फैले नहीं होते, और आंसू भी हमारे विजन का पार्ट होते हैं। दूसरी चीज, आप एक
प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेंट ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, जैसे रिफ्रेश टीयर्स या सिस्टेन अल्ट्रा या और भी ब्रांड्स आते हैं जो प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं, उनको आप बीच बीच में जितना आपका कंप्यूटर यूसेज का टाइम है उसके हिसाब से दो बार से लेके चार या छह बार तक आप डालिए, जिससे आपको आंसू का सप्लीमेंटेशन मिलेगा और आपको कंफर्ट होगी। थोड़ी आप योगिक आई एक्सरसाइज जरूर करिए, वो एक नेचुरल ट्रीटमेंट है हमारे आईज का, को स्टिमुलेट करने का, आंसू को स्टिमुलेट करने का, उनके प्रोडक्शन का। सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट आप योगिक आई एक्सरसाइजेस जरूर करिए। जी ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। और इस बीच जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं वो अपना फोन उठाएं और उनकी जो भी समस्या है आंखों से संबंधित, उससे संबंधित सवाल वो पूछ सकते हैं, समाधान आपको सोनिया दमेली जी तुरंत देंगी। ऑनलाइन आप कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहा है, अपना फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर सोनिया जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, बच्चों का जिक्र किया हम लोगों ने अभी, प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं उनको भी कभी कभी देखा गया है कि आंखों की समस्या उसी ड्यूरिंग टाइम में होती है, तो वो समस्या कभी कभी बढ़ भी जाती है, उसको कैसे उससे निपटा जा सकता है और वो समस्या पैदा ना हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? प्रेगनेंसी एक बड़ा सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है एक फीमेल की लाइफ का, और कई बार प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और उस ब्लड प्रेशर का हमारी आंखों के पर्दे पे असर पड़ता है और उसके नसों में सूजन भी आ सकती है जी। ये दो चीजें होती हैं जो हमारे प्रेगनेंसी में सडन विजन लॉस कर सकती हैं या रोशनी का कम कर सकती है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल और उनका ट्रीटमेंट चले तो बिल्कुल विजन वापस नॉर्मल भी आ सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी के पीरियड में कहीं भी लगे कि आपकी विजन में कुछ देखने में तकलीफ हो रही है तो आप पूरा एक कंप्लीट पर्दे की जांच जरूर करवाएं। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी अपना नाम बताएं और अपना सवाल करें। जी गुड इवनिंग डॉक्टर दमेले, मैं सौम्या बोल रही हूं उन्नाव से। गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली मैं काफी 8 से 9 घंटे कंप्यूटर पे काम रहता है, उसके बाद थोड़ा सा फोन पे सर्फिंग वगैरह करने के बाद आंखें बहुत ज्यादा, आंखों से आंसू आने लगते हैं और एज श्रिंकनेस आने लगती है, आंखों में छोटी होने लग जाती है आंखें, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एक्स्ट्रा नींद ले लेती हूँ तो मुझे ज्यादा आंखों में पेन होता है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, उससे मुझे कैसे रिलीफ मिल सकता है? आपको ड्राइनेस भी हो रही है और डिजिटल आई स्ट्रेन हो रहा है, अपना जितना नेसेसरी हो उतना आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। हो सकता है आपको छोटा चश्मे का नंबर हो जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो जब आप नंबर, जैसे आप मोबाइल या कंप्यूटर का लंबे समय इस्तेमाल करते हैं तो वो छोटे नंबर की भी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है और आपको उसको लगाना चाहिए। वो 0.25 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, मगर उसका भी यूज़ करें। साथ ही साथ ब्लू फिल्टर ग्लासेस का इस्तेमाल करें, उससे ब्लू लाइट जो होगी वो आंखों में नहीं जाएगी तो थोड़ा सूथिंग रहेगा। लुब्रिकेंट्स यूज करें, रात के सोते समय आप ऑइंटमेंट्स आते हैं जो लुब्रिकेटिंग होते हैं तो वो थोड़े से आंख में डाल के सोएंगे, अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, वो चेक करेंगे जब, तो वो आपको वो ऑइंटमेंट देंगे तो उनका एक ओवरनाइट एक्शन भी रहता है और सुबह आपकी मॉर्निंग बड़ी फ्रेश सी रहेगी, फ्रेश स्पार्कलिंग आईज जिसको कहते हैं वो रहेगा, तो उसको आप यूज करिए, दैट विल बी वेरी गुड। एक कंप्लीट आई एग्जामिनेशन करवाइए कि आपको हेवीनेस या जो हो रही है वो उसका और कोई कारण तो नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो रहे हो। ठीक है डॉक्टर सोनिया, जिस तरीके से जो एज्ड विमेन हैं, 40+ हैं, 45+ हैं, उनको समस्या बहुत देखा गया है, उनको कैटरेक्ट की समस्या हो जाती है, मोतियाबिंद की समस्या हो जाती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, या एज एक एज फैक्टर के बाद ये होना तय है? हमारी जो 40 इयर्स की 40 साल की एज होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज होती है बॉडी की उसमें, और आईज में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। पहली चीज़, सबसे सिंपल चीज़, हमारे को नज़दीक का चश्मे का नंबर लगने लगता है, और नज़दीक के लिए क्योंकि हमारी आँख की मांसपेशियाँ उस तरह से मजबूत नहीं रहती हैं जिस तरह की यंग एज में रहती हैं, तो हमें लॉस ऑफ अकोमोडेशन के कारण चश्मे का नंबर लगने लगता है। दूसरी चीज ये कि वो एक एज होती है जहाँ हमें संबलबाई या काला मोतिया या ग्लॉकोमा जिसको कहते हैं वो भी डेवलप हो सकता हैगा, तो उसके लिए भी एक आँख के आई का प्रेशर दोनों आँखों में होना चेक करवाना चाहिए। इस एज में एक आई का एग्जामिनेशन जब हो तब आई का प्रेशर भी चेक होना चाहिए।
ये एज होती है जब हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस होने लगती हैं, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से, या फिर हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम होने लगती है, और इनके भी चेंजेस तभी हो सकते हैं। तो एक अगर आप रेगुलर पर्दे की जांच करवाएं, या आपको ये बीमारियां हैं तो आप अपना एक साल में एक बार पर्दे की जांच करवाएं, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग जो किसी कारण से स्टेरॉइड लिया, स्पेशली कोविड टाइम में जिन्होंने लंबा स्टेरॉइड लिया, उनको इस एज में मोतियाबिंद भी हो सकता हैगा, और उसके कारण भी नजर कम हो सकती है। जी ठीक बात है आपकी। डॉक्टर सोनिया, जिस तरीके से देखा जा रहा है इस वक्त जो लाइफ स्टाइल है, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जी क्या है आपका नाम और क्या आप पूछना चाहते हैं, कुछ अपना सवाल? मेरा नाम कृष्ण कुमार तिवारी है भैया। जी मेरा नाम कृष्ण कुमार तिवारी है, मैं बिष्णुपुरी निवासी कानपुर का हूँ। ऐसा मुझको शुगर अभी कुछ दिन पहले हो गई थी, कई साल वर्षे, उसके बाद मेरी आंखों की रोशनी मैडम भैया जी आंख की रोशनी हमारी कम मतलब होती जा रही है, मतलब चश्मा मैं लगाया हूँ तो दूर की रोशनी मेरी कम हो गई, इसलिए मैडम क्या करूँ? मेरा चश्मा भी टेस्ट है लेकिन पावर उसका बढ़ गया जी। तो उसके बाद मतलब जो है शुगर तो नियंत्रण में हो गई लेकिन आंख की रोशनी जो उसका असर पड़ा है, इसके बारे में क्या करूँ मैडम? आपकी आंख की रोशनी क्योंकि कम हो गई है तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका डायबिटीज का असर आपके पर्दे पे पड़ने लगाएगा। एक जब पर्दे की जांच होगी तो आंख में आपके सूजन या ब्लड होने का चांसेस होता है, जिसके जो डायबिटीज के लक्षण में आता है। और आप एक ओसीटी की जांच करवाइए, उस ओसीटी की जांच में पता चलेगा कि कहाँ किस एरियाज में सूजन है, किस एरिया में ब्लीडिंग है, और उसके आपका ट्रीटमेंट चलेगा। वो ड्रॉप्स के फॉर्म में हो सकता है, वो इंजेक्शन फॉर्म में हो सकता है, या एक माइनर सर्जरी के फॉर्म में हो सकता है। तो ये आपका जिस लेवल की आपको सूजन होगी या ब्लड होगा उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा, तो आपकी विजन रिकवर हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी शुगर लेवल वेल कंट्रोल करें। अगर शुगर लेवल वेल कंट्रोल रहेगी तो आपकी ये आँख की जो परेशानी है वो काफी कुछ सुलझ जाएगी। ठीक है मैम ये बताइएगा जरा, जिस तरीके से लोगों में भ्रांतियां रहती हैं, लोग लेंसेस यूज करते हैं और ऐसे ऐसे लेंस यूज करते हैं जिससे जो उनकी जो आंखें हैं बहुत सुंदर दिखने लगती हैं, लेकिन कई भ्रांतियां भी हैं कि उसको यूज करने से आंखों पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे लोगों के सामने, जरा वो पिक्चर क्लियर कर दीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल पार्लर्स में भी कॉन्टैक्ट लेंसेज बिकने लगे हैं, और दो तीन बार ऐसे हमारे साथ केसेस हुए अभी रिसेंटली इस मैरिज सीजन में, जब लड़कियां आई और सुबह शादी के बाद सुबह एकदम आंख लाल खुल नहीं रही है, सूजन है, दर्द है, और कॉर्निया में घाव हो गया है, कॉर्नियल अल्सर हो गया है, तो पता चला कि लेंसेज बता दिए गए, लगा दिए गए, ये तो बताया नहीं कि सोने से पहले लेंसेज उतारने भी थे जी। और वो उसको लगा के सो गए एंड दे हैड कॉम्प्लिकेशंस जिसमें विजन भी कम हो सकती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑफ द काउंटर आजकल क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स हैं और लोगों को फैंसी है बहुत सारे कलर लेंसेज की, तो लोग ऑफ द काउंटर लेंसेज बिना चेकअप के भी ले लेते हैं। तो अब बिना जाने कि ये डिस्पोजेबल हैं, कि ये कंटिन्यूस वेयर हैं, कितने आज तक पहन सकते हैं, मतलब बिना इंस्ट्रक्शंस के ले लेते हैं, तो ये एक गंभीर समस्या है। कॉन्टैक्ट लेंस आप लें तो पहले एक आई सर्जन को दिखा के सलाह लेके ही लें, ताकि आपको सही पार का लेंस मिले, या बिना पावर का भी हो तो सही फिटिंग का लेंस मिले, और कैसे उसको यूज करना है और कैसे केयर करनी है लेंस की और अपनी आँख की, ये आपको पता चले। कॉन्टैक्ट लेंस के सोल्यूशन को क्लियर रखना है, हाथ धो के आपको लेंसेज यूज करने हैं, लेंसेज को 8 घंटे से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, और उनको रखते समय भी क्लीन करके पहनना है और लगाते समय भी क्लीन करके पहनना है। इन सब छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ध्यान देना है। अगर लेंस का समय निकल गया है तो उनको हटा के, माना वो आपको कंफर्टेबल हो तो भी उनको हटा के आपको नए लेंसेज लेने हैं। जो मंथली है उनको मंथ में खत्म करना है, जो ईयरली है उनको आफ्टर अ ईयर डिस्पोज ऑफ करना है। जी इस बीच एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ। जी अपना नाम बताइए, क्या है आपका सवाल? मेरा नाम अतुल कुमार अवस्थी। जी सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि हमारे पेट में जो है जलन बनी रहती है। सवाल तो रहे जलन बनी रहती है और डॉक्टर ने इलाज भी कराया तो उससे कोई फायदा नहीं मिलता, रात में सो नहीं पाते हैं। सर ये आँख से संबंधित समस्या अगर कोई है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सर आँख में जो है ना अंकुर धुंधला बहुत दिखाई पड़ता है, धुंधला। अच्छा आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या? 45 साल हमारी उम्र है।
हाँ, तो इस उम्र में आप चश्मे के नंबर कई बार डेवलप होते हैं और इस उम्र में आँख के लेंस में और पर्दे में भी बदलाव होते हैं। आप डॉक्टर को दिखाइए, वो पूरा चेकअप करेंगे तो हो सकता है एक सिंपल चश्मे का नंबर हो जो आपको लगाने की जरूरत हो। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, सवाल करने के लिए मैम जरा ये बताइए कि जो चश्मा यूज़ करते हैं, जैसे मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, अगर मुझे चश्मा हटाना है और मेरी राइट आई में मुझे धुंधला सा नज़र आता है, दूर की रोशनी मेरी कमज़ोर है, तो ऐसे में क्या लेंस यूज़ किया जा सकता है जो परमानेंट लगा देते हैं ऑपरेट करके? मैम थोड़ा उसके बारे में बताएं, दर्शक जानना चाहेंगे। अगर हम चश्मे को हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक 18 साल के ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए, तभी चश्मे को हटाने के ऑप्शंस देखे जाते हैं। और जो सबसे सिंपल ऑप्शन होता है वो लैसिक होता है, क्योंकि उसमें हम आँख के अंदर नहीं जाते हैं और केवल एक सरफेस पे काम करते हैं। काली पुतली की जो मोटाई होती है वो हमारे चश्मे का नंबर बनाती है, तो उसकी मोटाई और उसके शेप को हम चेंज करते हैं लेज़र करके। तो वो सबसे सिंपल और सबसे सेफ प्रोसीजर है, मगर उसकी एक लिमिटेशन ये है कि वो एक लेवल तक, 6-8 इस लेवल तक आपका चश्मे का नंबर ठीक कर सकता है। पूरा नंबर हो सकता है बहुत हाई नंबर वालों में या जिनकी मोटाई कम हो उनमें नहीं वो काम करेगा जी। तो ऐसे में फिर ऑप्शन आता है कि आप इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस या ICL जिसको कहते हैं, उनको जो आप कह रहे हैं कि लेंस अंदर लगा दे परमानेंटली, वो यूज होते हैंगे। तो उसको उन पावर के अबव ही यूज किया जाता है, क्योंकि वो हमारे नेचुरल लेंस के आगे एक लेंस इम्प्लांट किया जाता है जो आपका बाहर का चश्मा है उसके हिसाब से कैलकुलेट। कभी कोई दिक्कत होती है? कभी कभी उसमें आँख का प्रेशर बढ़ सकता है या मोतियाबिंद हो सकता है, मगर अगर आप रेगुलरली चेकअप करवाते हैं तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है और ये काफी सेफ सर्जरीज है। ठीक है, इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं जी। अपना नाम बताएं, आपका क्या है सवाल? हेलो जी, अपना सवाल पूछे। सर मेरा नाम क्या नाम है, सुनीता है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ जी। सवाल पूछे आपका जी। मेरी आंखों में दर्द बहुत रहता है और आंख से पानी आता है। आपकी क्या उम्र है? 35 साल। अच्छा, तो दर्द के साथ आपको कोई सूजन या लाली या खुजली तो होती नहीं, है? हल्की सी सूजन आंखों के नीचे रहती है। अच्छा, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर में कोई बीमारी तो नहीं है? हाँ, बीपी लो मेरा कभी कभी हो जाता है। आपको मोस्ट प्रोबेबली एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो रही है। इस समय जब मौसम बदल रहा है, गर्मी से बारिश का मौसम आ रहा है, तो हमारी आंखों में एलर्जी होती है, उसमें आपको इस तरह का प्रॉब्लम आती है कि जो आप बता रहे हैं कि हल्का दर्द होना, पानी होना, भारीपन आना। तो इसके लिए एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स होती हैं और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती हैं जो आपकी आईज में अगर आप डालेंगी तो आपको आराम मिलेगा। आप किसी आई सर्जन को अपने आसपास की जगह में दिखाइए, वो सिंपल ड्रॉप्स हफ्ते दो हफ्ते के लिए लिखेंगे जिस तरह की आपकी इंटेंसिटी की परेशानी होगी और उससे आपको आराम मिलेगा। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल करने के लिए। मैम, इस तरीके की जो लाइफस्टाइल हमारी बदल रही है, इन दिनों भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हर एक आदमी सिर्फ दौड़ रहा है, सुबह निकलता है, रात को घर पहुंचता है, टाइम से उसको खाना कभी ले पाता है कभी नहीं ले पाता है, लंच ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, बाहर के खाने पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है, ऐसे में लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ लेना चाहिए जिससे कि वो उन्हें पूरा पोषण मिलता रहे और उनको कभी आंखों की दिक्कत ना हो? विटामिन्स जो है, प्रोटीन्स है, क्या कुछ लेना चाहिए मैम? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगी कुछ भी आर्टिफिशियल चीज एक नेचुरल फूड को रिप्लेस नहीं कर सकती है जी। तो इस बात को मन में रखिए, जब तक आप नेचुरल फूड पे मतलब रिलाय करेंगे और वैरायटी ऑफ फूड जैसे हमारे कल्चर में है उसको फॉलो करेंगे और रेगुलर 3 मील्स फॉलो करेंगे तो सप्लीमेंटेशन की कम ही जरूरत पड़ती है जी। लेकिन हाँ, अगर हम सप्लीमेंटेशन करेंगे तो अगर आँखों की बात मैं करूँ तो हमारा एक ARDS प्रोटोकॉल होता है जिसमें ये बताया जाता है कि हमें किस कितना कितना विटामिन, कितने मिनरल्स जैसे सेलेनियम, क्रोमियम, कॉपर हमें कितने मात्रा में चाहिए। तो ARDS प्रोटोकॉल को जो मानने वाले मल्टीविटामिन्स होते हैं वो आप एक दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी आई के और न्यूट्रिशन या जनरल बॉडी न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट करेंगे। और आपको कुछ बीमारियां भी होती हैं जो लाइफस्टाइल बीमारियां होती हैं, जैसे शरीर में होती हैं तो उसी तरह हमारी आँखों में भी होती है जिसको हम ARMD कहते हैं, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से भी होती है। तो उस वो एक पर्दे की ऐसी बीमारी है जिसमें अगर डैमेज होता है तो रिकवरी होने के चांसेस कम रहते हैं, तो वो उससे भी प्रिवेंट करती हैं। तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन की ऐसे केसेस में ज़्यादा ज़रूरत होती है।
मैम बच्चों को देखते हैं अक्सर खाने के लिए नखरे करते हैं, उनके पोषण की वजह से कभी कभी उनकी आंखों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या उन्हें देना चाहिए जिससे उनको पसंद भी आए और वो अच्छे से ले सकें उस फूड को? जो भी रंग बिरंगा है वो आंखों के लिए सबसे ज़्यादा फायदा करता हैगा जी। यानी कि अगर आप हरी सब्जियां कहें या इस समय आम आ रहेंगे हमारे कानपुर लखनऊ में तो बहुत ही पॉपुलर है, और तरबूज है, ये सब आंखों को फ़ायदा करते हैंगे। फल और का और सब्जियों का प्रोपोर्शन रोज़ मिलना चाहिए, ये नहीं कि कभी लिया कभी नहीं लिया। अगर वो सब्जी नहीं खा रहा है तो आप उसको किसी और फॉर्म में दीजिए, मगर उसको लेना है, चाहे वो फिर शेक फॉर्म में हो चाहे वो पराठे में स्टफ करके हो, बट आप उसको दीजिए एंड इट विल बी हेल्पफुल। जी मैम, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आजकल, जो 70 प्लस हैं 75 प्लस हैं, हम देखते हैं सोसाइटी में उनकी नज़र बिल्कुल गायब हो जाती है, मतलब उन्हें कुछ नहीं दिखता, उनको बहुत ही धुंधला सा नज़र आता है। मैंने आसपास भी लोगों को देखा है अपनी सोसाइटी में कि उनको दिखता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ इलाज संभव हो सकता है? जैसा आप ग्लूकोमा का शायद नाम ले रही थी अभी, उनको उसकी प्रॉब्लम हुई और आँखों से रोशनी एकदम से चली जाती है, कभी कभी एकदम से रोशनी चली जाती है, क्या कुछ मैम उसके रीजंस हैं और कैसे बचा जा सकता है उससे? उम्र दराज लोगों में दो कारण होते हैं, एक तो मोतियाबिंद जो सबसे कॉमन कारण है और लगभग 70% लोगों में यही कारण है। इसके बारे में हमें एक अवेयरनेस ही क्रिएट करने की जरूरत है कि पकने का इंतजार ना करें, मोतियाबिंद हो और आपको देखने में आपकी दिनचर्या में आपके दिक्कत होने लगे तो आप उसको ऑपरेट करवाएं। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट के कारण आज हम फ्री भी करवा सकते हैं, हम आयुष्मान में भी करवा सकते हैं, हम लो कॉस्ट सर्जरीज हो रही हैं, लो कॉस्ट कैटरेक्ट सर्जरीज हो रही हैं, और इंडियन आईओएल्स आ रहे हैंगे जो हमको काफ़ी हर रेंज के लेंस का हम इस्तेमाल करके हर किसी के लिए ट्रीटमेंट पॉसिबल है। दूसरी चीज़ जो एक समझने वाली चीज़ है वो आपने बताई कि संभलबाई या ग्लोकोमा या काला मोतिया है, जिसमें नज़र का जो लॉस होता है वो वापस नहीं जा सकता हैगा, वो एक खतरनाक बीमारी है क्योंकि हम उसमें नज़र जाने के बाद हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका हमको इलाज करने के लिए तो एक अवेयरनेस है कि आप 40 साल की उम्र में या जब आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो तब आप अपना आई का प्रेशर चेक करवाएं, पर्दे की जांच करवाएं, नसों की जांच करवाएं कि कहीं आपको संभलबाई नहीं है। अगर आपके फैमिली में कहीं किसी को संभलबाई रही है तो आप थोड़े अलर्ट पे मोड में रहें और उसका चेकअप करवाएं। तो केवल प्रिवेंशन इज द क्योर फॉर इट। ड्रॉप्स आती हैं जो कंट्रोल करेंगी प्रेशर, वो आपके आगे के लॉस को तो बचा देंगी मगर जो लॉस हो चुका है वो वापस नहीं लाएंगी। उसके लिए केवल एक रेगुलर एग्जामिनेशन ही आपको हेल्प करेगा। मैम अभी आपने लेंसेज के बारे में बताया कैसे यूज़ करना चाहिए, इस समय थोड़ा ऑपरेशन के बारे में बताइए। कोई कहता है लेज़र से ऑपरेशन हो जाता है, कोई और भी कई तरह की टेक्निक है, थोड़ा मैम उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए जिससे दर्शक ये जान पाए कि उनके लिए कौन सा ऑपरेशन अच्छा है, जिससे वो बाहर अगर ऑपरेट करवाएँ आपके पास आएँ या जहाँ जाएँ तो वो मतलब उस तरीके के ऑपरेशन को फॉलो करें। फेको टेक्निक का ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, जो फेको टेक्निक होती है उसी को लोग लेज़र टेक्निक कहते हैंगे। इसमें एक सूक्ष्म चीरा लगता हैगा जो MICS में बहुत छोटा होता है और फेको में हल्का सा बड़ा होता है, लगभग 2.5 मिलीमीटर का, यानी कि बाल की थिकनेस के बराबर होता हैगा। और इम्पोर्टेड या इंडियन फोल्डेबल लेंस डलते हैं, फोल्डेबल लेंस जो अंदर फोल्ड होके जाते हैं और अंदर जाके खोलते हैं, इसलिए वो बहुत सूक्ष्म चीरे से आराम से चले जाते हैं। अब नए लेंसेज आ गए हैं, जैसे पहले जो लेंसेज रखते थे या जो हम लोगों के कैंप्स वगैरह में लगते हैं वो दूर को करेक्ट करते हैं और नज़दीक का आपके उम्र के हिसाब से नंबर होता है, मगर जो नए लेंसेज आते हैं वो मल्टीफोकल या ट्राईफोकल होते हैं जो दूर को भी करेक्ट करने के साथ साथ पास की नज़र को भी करेक्ट करते हैं या आपका इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो आपका कंप्यूटर का डिस्टेंस होता है उसको भी करेक्ट करते हैं। ये नए लेंसेज हैं जिनका सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा हैगा और इनमें आपकी विजन की क्वालिटी जो होती है वो ज़्यादा बेटर होती हैगी। मैम कुछ एक्सरसाइजेज हैं आँखों से रिलेटेड, उसका थोड़ा जिक्र कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए दर्शकों को ऑन स्क्रीन की, मतलब किस तरीके से हम करें वो एक्सरसाइजेज जिससे आँखों को लाभ पहुँचे। इस डिजिटल एज में तो आई एक्सरसाइजेस की बहुत वैल्यू है और केवल 5 मिनट का समय देना पड़ता है। इनफैक्ट मैं देखती हूँ कि ये लोग योगा करते हैं लेकिन वो आई की एक्सरसाइज भूल जाते हैं, पूरी शरीर के बाकी चीज़ों का तो करते हैं मगर आँख का भूल जाते हैं कि उसको भी करना है, जबकि वो आप बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऊपर देखना है, नीचे देखना है, राइट लेफ्ट,
और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आप 20-20 बार करिए, फिर आंख को बंद करिए टाइट और ओपन करिए, जैसे आप किसी को दूर खोल के देखते हैं, फिर बंद करिए और फिर ओपन करिए, ये करना है। और एक आखिरी जो होती है वो पामिंग होती है, जिसमें आप आंख ऐसे बंद करके थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए आप बंद करिए, फिर रिलीज करके सामने देखिए, इसको 10 बार करिए। ये सिंपल योगिक एक्सरसाइजेज होती है और जो आपको विजन और आपकी आई की मोटिलिटी को मेंटेन रखती हैंगी। ड्राइनेस में ये काफी यूजफुल होती है। जी, एक दर्शक जुड़ गए इस बीच हमारे साथ। जी, अपना सवाल कीजिए, अपना नाम बताइए, अपनी एज भी बता दीजिए। सर, मैं शुभांगी हूँ, मुझे अपने पापा के लिए पूछना है। एक्चुअली उनकी आंखों में हमेशा लालिमा बनी रहती है और पानी भी बहुत आता है, खुजली होती है, तो सर इसके लिए क्या कर सकते हैं? शुभानगी जी, आप क्योंकि वो एक एल्डरली पर्सन है, तो पहले तो एक अगर हम उनका एग्जामिनेशन करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्रोनिक रेड आई जो होती है उसके काफ़ी 3-4 मेन कॉजेज होते हैं। एक तो क्रोनिक एलर्जी हो रही है उनको, एक ये कॉज हो सकता है, या उनकी आँख में कहीं कोई सूजन या इन्फ्लेमेशन हो अंदर, जिसके कारण उनको दोनों आँखों में लाली हो सकती हैगी। तो ऐसे केसेस में हमेशा एक कंप्लीट स्लिट लैंप एग्जामिनेशन हो तो ज़्यादा पता चल सकता है। तब तक के लिए आप लुब्रिकेंट ड्रॉप डालिए, उससे उनको सूथिंग सेंसेशन मिलेगा। और एंटी हिस्टामिनिक ड्रॉप्स आती हैं जिसमें कीटोरोलैक होता है, वो भी सेफ होती हैं, वो आप सुबह शाम डालेंगे तो उससे भी आराम मिलेगा। जी मैम, कुछ लोगों को मतलब जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, देखा गया है अक्सर कि दिन भर उनके सर में भारीपन रहता है, लेकिन सर के जो पीछे का हिस्सा है उसमें भी दर्द रहता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? चश्मे के नंबर को बहुत ध्यान से चेकअप करवाइए। चश्मे के नंबर को जब चेकअप करवाएं तो ये भी देखिए कि वो छोटा नंबर है तो आप पहने उसको। बहुत बार लोग छोटे नंबर को पूरे समय नहीं पहनते हैंगे, वो सोचते हैं कि ये तो दूर का नंबर है तो हमको पास का काम करते समय की जरूरत नहीं आएगी। मगर अगर आपका नंबर है, माइनस का भी नंबर है दूर का, उसको भी आपको पूरे समय सोना और नहाना छोड़ के पहनना है। और चश्मे के लेंस की जो क्वालिटी है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, कई बार वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या ब्लू फिल्टर नहीं होता है वो, तो भी आपको ऐसे भारीपन या सिरदर्द हो सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक बार चश्मा बनवाया तो 2-3 साल तक फिर से दोबारा चेकअप नहीं करते हैं। और जब ये 40 साल की उम्र के आसपास का समय होता है या बच्चों में 12-14 साल की उम्र का समय होता है, तब पावर चेंज के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो एक साल में एक बार कोशिश करें कि आप अपने नंबर को जरूर चेक करवाएं। और भारीपन के फिर दूसरे जो कॉजेज होते हैं कि जैसे आपको सबलबाई भी हो डेवलप हो सकती है, या आपको क्रोनिक आई रेड आई रहती है, या क्रोनिक एलर्जी रह सकती है, उनका तो सिंपल ड्रॉप से ट्रीटमेंट हो जाता है, वो जब देखेंगे और दवा आपके कुछ समय ही चलती है उससे आराम मिल जाएगा। मैम, कभी कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, देखा गया है पेशेंट्स के बीच में सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ अगर वो डिप्रेशन में है तो मैम क्या आंखों की प्रॉब्लम उससे भी बढ़ सकती है या आंखों की प्रॉब्लम वहाँ से इवॉल्व हो सकती है? सर्वाइकल के कारण तो प्रॉब्लम आई में नहीं होती है, बट आजकल सर्वाइकल की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि लोग ऐसे करके मोबाइल देखते रहते हैं, तो ये सारा स्ट्रेन यहीं पे पड़ता है और बैक में एक भी यहीं पे होता है। तरीका ये है कि आप इसको सामने आई लेवल पे लाके देखिए और ब्रेक लेते रहिए, वही जो मैंने 20-20 रूल बनाया है उसको आप फॉलो करते रहिए, तब ये जो बैक का पेन हैगा वो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस ऐसे कई घंटे करेंगे तो पीछे की बोन्स भी इंक्रीज होने लगती हैं। ठीक है, हम आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हेल्थ मंत्रा में, और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए जो उन्होंने समस्याएं बताई, उसके जो आपने निवारण बताया, उसका समाधान बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेएमडी न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए मैम। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से मैम ने बताया, डॉक्टर सोनिया दमेले जी ने बताया कि किस तरीके से आपको अपनी आँखों का ख्याल रखना है बदलते मौसम में, वो सारे टिप्स उन्होंने दिए। अगर आपको कोई बीमारी इवॉल्व हो रही है तो उसे देखना है, अगर आपका चश्मा लगाए भले ही नंबर कम है तब भी आप चश्मा ज़रूर लगाएं, जैसा डॉक्टर सोनिया जी कह रही थी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है @jmdnews।